तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये दो इसके अंदर मेन टॉपिक है आपके, नंबर वन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नंबर टू वेव्स। ठीक है, एस एच एम एंड वेव्स। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड है। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा, टाइम पीरियड इज इतने साथ सिंबल भी लिखना है, टाइम पीरियड के सिंबल कैपिटल टी 2 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, जमीन पर हमें इसकी लंबाई क्या रखनी होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून, और चांद पर इस पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखनी होगी। इफ द ग्रेविटी ऑन मून इज 6 टाइम लेसर देन द ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो जबकि जमीन पर जो ग्रेविटी की कीमत है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अच्छा जी, तो आपके पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मून GM, दैट इज GE डिवाइडेड बाय 6। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू GE 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक हो गया। आपने जब बोर्ड में न्यूमेरिकल करना है तो फिजिकल क्वांटिटी को लाजमी साथ मेंशन करना है। आपके पास 2.25 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी हमारे पेपर पहले कंप्लीट हो गया था, हमने जल्दी कर लिया था। तो जल्दी इसलिए क्लियर कर लेते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो आपने प्रॉपर तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी भी पूरी क्वांटिटी लिखें, ये उसका सिंबल है, फिर सिंबल लिखें और फिर वो वैल्यू लिखें। ठीक हो गया। अब यहां पर हमें फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑन अर्थ, जमीन पर लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑन मून चांद पर उसकी क्या लंबाई होगी। ठीक है, इससे पहले भी वही, इसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन मून। जैसा कि आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो है आपके पास P = 2π√L/g। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो टाइम पीरियड, उसके अलावा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। जो पेंडुलम की लेंथ है और जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेशियो अलग हो सकती है, वैसे जितना लंबाई अगर आप बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप डोरी से कोई चीज सॉलिड ऑब्जेक्ट को बांधे, उसकी डोरी जितनी छोटी होगी वो जल्दी अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा और वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, और जितनी डोरी की लंबाई ज्यादा होगी उसको अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप जमीन पर उसी पेंडुलम को उसके ऑसिलेट करवाएंगे तो जमीन पर वो जल्दी ऑसिलेट करेगा और चांद पर देर से करेगा, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी की कीमत कम है। तो हमें बतानी है कि अगर आपने टाइम पीरियड 2 सेकंड रखना है, टाइम पीरियड को चेंज नहीं होने देना जमीन पर भी और चांद पर भी, टाइम पीरियड को आप फिक्स रखना चाहते हैं, तो अगर आप टाइम पीरियड को फिक्स रखना चाहते हैं तो इसकी डोरी की लंबाई आपको कम या ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P = 2π√L/g। अगर आपको जमीन के लिए यहां पर अप्लाई करना है तो आपने टी टाइम पीरियड, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आपने टी के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आना। ठीक है, हाँ लंबाई और ग्रेविटी में चेंज है तो इसके साथ आपने मेंशन कर देना है, अगर आप अर्थ के लिए कर रहे हैं तो LE एंड GE, सिंबॉलिकली आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये अर्थ के लिए है, और जब मून के लिए करेंगे तो यहां पर M आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे टी, अगर आप दो तरह से इसको सॉल्व करने के तरीके हैं। पहला तरीका जैसा कि आपको बताया था कि आप फॉर्मूले को अरेंज कर लें, तरतीब दे लें और उसके बाद वैल्यूज पुट कर लें। दूसरा तरीका कि आप पहले वैल्यूज पुट कर लें और फिर बाद में उसको अरेंज कर लें।
जितना आपको इजी लगता है। अगर सपोज हम पहले इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, टी की वैल्यू है टू, टू सेकेंड्स, टू पाई कॉन्स्टेंट है, टू मल्टीप्लाई बाय एल ई जमीन पर लंबाई, ये मालूम करनी है आपने, जबकि ग्रेविटी जमीन पर 10 है, ठीक हो गया। अब इन चीजों को जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे आप उनको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3.14 लिख लें, और स्क्वायर रूट 10 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहां पर यह डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, टू कैंसल, स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल ओ एल ई। कैलकुलेट करें इसको, स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3.14 1.007 स्क्वायर रूट एल ई लिखिए। अब मुझे बताएं कि एल ई का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन स्क्वेयर इज इक्वल टू एल ई स्क्वेयर, तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, हमारे पास एल ई 1.007 का स्क्वेयर क्या आया 1.014 मीटर। सो ये है आपके पास, जब आप को 2 सेकंड का टाइम पीरियड जमीन पर चाहिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। मून के लिए भी हम फाइंड करेंगे, अब आपने मून के लिए फाइंड करना है, तो मून के लिए सिंपली आपने जहां पर ई था वहां पर एम पुट करना है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं हम, इसको सेपरेट कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने फॉर्मूला पहले अरेंज किया होता तो आपके लिए बड़ा आसान होता, यहां पर डायरेक्ट वही आपने जस्ट रिपीट करना था, बाकी वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। जैसे यहां पर देखें एल ई क्या है, यहां पर स्क्वायर रूट 10 आया ना, मतलब ये क्या था, मैं अब मैं ये आपको फॉर्मूला अरेंज करके फिर वैल्यू पुट करके बताता हूं ताकि दोनों तरीके आपको समझ आ जाए। इसको आपने अरेंज करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर जी एम, एम फॉर मून। तो अब आपने क्या करना है, टी ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जी एम, जी एम डिवाइडेड है यहां पर टी स्क्वेयर रूट जी एम डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वेयर रूट एल एम। अब सारी वैल्यूज पुट करें, 2, अब मून पर हमें क्या कहा गया, जी ई ओवर 6, यानी जमीन पर जो जी की कीमत है 10, उसको आप 6 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14। अब इस सब को सॉल्व करके ये 10/6 1.666 या 1.667 होता है, ठीक है, वो वैल्यू पुट करके देखें और इसको हल करें, स्क्वायर लिए बगैर क्या आंसर आता है, 2 2 से कैंसिल हो गया ना। अब 1.6 स्क्वायर रूट 1.667 को डिवाइड करें 3.14 से, 0.411। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 0.411 स्क्वायर, स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, अब आपने इसका स्क्वेयर लेना है 0.169 और 17 मीटर। दिस इज द आंसर फॉर लेंथ ऑन मून। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जब आपने 2 सेकंड जमीन पर टाइम पीरियड आपको चाहिए तो आपको उसकी लेंथ 1.014 मीटर रखनी पड़ेगी, तकरीबन 3.75 फुट के करीब, और अगर वही 2 सेकंड आपको चांद पर चाहिए तो 0.17 मीटर, तकरीबन 1 फुट से भी कम की वैल्यू, ठीक हो गया। तो इस तरह से ग्रेविटी की कीमत चेंज होने की वजह से आपका टाइम पीरियड चेंज होता है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स में ये बेसिक्स आपने सारी सेम रखनी है। 10.2 गिवन डाटा में हमें बताया गया है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यानी यहां पर हमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम दी गई है 0.99 मीटर।
पूरी क्वांटिटी लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। वो जो थ्रेड है उसका टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है, कैपिटल टी 4.9 सेकंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपने सिंपली ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है, वो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब चूंकि यहां पे आपने एम पुट किया है तो यहां पे आप एम लिख सकते हैं, यहां पे भी आप एम लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट चूंकि नहीं है तो जमीन का करना है और मून का करना है, अलग अलग नहीं है, तो अगर आप ये नहीं भी एम लिखते तब भी ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक हो गया। अब आपने वही फॉर्मूला अरेंज करनी है, आपने जीएम फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल। स्क्वायर रूट जीएम को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो डिवाइड में है और टाइम पीरियड यहां पर, तो अब आप इनको रिप्लेस कर दें, ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड, तो फॉर्मूला बन जाएगा जीएम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट जीएम इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 0.99 मीटर डिवाइडेड बाय 4.9 सेकेंड। तो अब इनको सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 0.99 6.248 डिवाइडेड बाय 4.9 1.275 दैट इज स्क्वायर रूट जीएम। नाउ वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स टू कैंसिल आउट स्क्वायर रूट, वन पॉइंट सिक्स थ्री दैट इज ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ। टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है जबकि उसकी लेंथ है 1 मीटर। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, जमीन पर भी रखा गया है और चांद पर भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। चांद पर जो जी की कीमत है वो जमीन पर जी की कीमत का 1/6 है, छठा हिस्सा है। तो जी ई इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी ऑन मून जी ई डिवाइडेड बाय 6, 10 बाय 6 1.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून, ठीक है। तो वही उसकी रिपीटेशन है कि पहले आपने लेंथ जमीन पर और चांद पर मालूम की थी, टाइम पीरियड फिक्स था, टाइम पीरियड फिक्स था। यहां पर लेंथ आपके पास फिक्स है, जमीन पर भी 1 मीटर है और चांद पर भी 1 मीटर है, तो हमने ये बताना है कि अब टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंज आएगा। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्ट इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और ग्रेविटी पर। अब अर्थ के लिए अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो सिंपली आपने एल ई और जी ई लिख देना है। तो वैल्यूज पुट करें आप डायरेक्टली तौर पर 1/10, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 1.98 टाइम पीरियड इट्स यूनिट इज सेकेंड, 1.98 सेकेंड ऑन द अर्थ। जमीन पर आपको यह टाइम पीरियड मिलेगा 1 मीटर लेंथ के साथ। जब आप इसी पेंडुलम को चांद पर ले जाएं, टाइम पीरियड ऑन मून 2 पाई स्क्वायर रूट LM डिवाइडेड बाय GM, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1.667 दैट विल बी 4.86 टाइम पीरियड ऑन मून। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांद पर ग्रेविटी कम होने से
उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड और ग्रेविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ग्रेविटी जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना बढ़ जाएगा, और ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना कम हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमने यहां पे फाइंड करनी थी, ये हमने यहां पे आइडेंटिफाई कर ली। 10.4 अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन टू सेकेंड्स। एक पेंडुलम एक वाइब्रेशन दो सेकंड में मुकम्मल करता है। कौन बताएगा इसका क्या मतलब है कि एक वाइब्रेशन दो सेकंड में? हमने कोई डेफिनेशन पढ़ी थी एक वाइब्रेशन दो सेकंड में, तो ये क्या चीज बताई गई है? फ्रीक्वेंसी तो साइकिल पर सेकंड है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त, तो यही तो बताया हुआ हमें कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में दो सेकंड लेता है, दैट इज टाइम पीरियड टू सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि बताएं लेंथ क्या होगी जब ग्रेविटी की कीमत यानी जमीन पर दो सेकंड टाइम पीरियड है, तो बताएं आपको कितनी लेंथ रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसी प्रॉब्लम में आएगा जहां पे आपको ये चेक करना हो कि आपने पेंडुलम की लेंथ कितनी रखी है तो हमें वो दो सेकंड का टाइम पीरियड प्रोवाइड करे। तो उसके लिए सिंपली आपके पास फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब देखिए ये उसी फॉर्मूले को डिफरेंट तरह से आपने यूज करना है, ये फॉर्मूले का बस इस्तेमाल है, वो फिजिकल क्वांटिटीज वही है। यदि आप ऐसे करें स्क्वायर रूट जी डिवाइड हो रहे हैं 2 पाई मल्टीप्लाई है, तो टी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट जी और डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट एल इज इक्वल टू टी की वैल्यू 2 सेकेंड रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई 3.14 कैंसल, स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3.14 1.007 और 1.01। अब अगर आप इसका स्क्वायर 007 भी लिख सकते हैं, उसके बाद जब आपने स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो आपने क्या करना है इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मीटर लेंथ का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल मीटर है, तो आपने मीटर लिख देना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5। ये हमारा यहां तक जो फर्स्ट टॉपिक था 4 न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड थे। अब जो नेक्स्ट है वो सेकंड जो पॉइंट आपका वेव्स है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10.5 में कहा गया है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, एक पॉइंट पर 100 वेव्स 20 सेकंड में गुजरती हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एक रिपल टैंक है या कोई एक पॉइंट है, रिपल टैंक का एक पॉइंट है ये पॉइंट, अब यहां से वेव्स पास हो रही हैं, तो कह रहा है 20 सेकंड में 100 वेव्स पास हो रही हैं, 20 सेकंड में 100 वेव्स पास होती हैं उसमें से, तो नंबर ऑफ वेव्स एन 100 एंड टाइम टेकन इज 20 सेकंड्स। What is the frequency and the time period of the wave? हमें frequency बतानी है और उसका time period बताना है। If its wavelength is 6 centimeter, wavelength लंबा 6 centimeter, और अगर मीटर में देखें तो divided by 100, 0.06 meter, ये इसकी wavelength है। Calculate the wave speed, हमें wave की speed भी बतानी है। तो ये तीन चीजें आपको इसमें बतानी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड स्पीड। सो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, कौन डेफिनेशन बताएगा मुझे फ्रीक्वेंसी के? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, पर सेकंड एक सेकंड में, यहां पे कितने सेकंड है?
तो हमने इसको पर सेकंड करना है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय सेकंड्स. नंबर ऑफ वेव्स 100 डिवाइडेड बाय 20. 0 कैंसल 5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज hg. ओके, एक चीज हमने फाइन कर ली फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो टी इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, टी इज इक्वल टू 1/f. सो 1/5 0.25 to the 10 होगा ना. तो इसका यूनिट क्या है? सेकेंड. सेकेंड चीज भी आ गई हमारे पास. थर्ड वन स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला का रमजान बताएगा बस. वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ. सो फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ 0.06 मीटर, 0.3 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव. 10.6. अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू द वॉटर सर्फेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज. रिपल टैंक में एक लकड़ी का ब्लॉक है, वो वाइब्रेट कर रहा है और उसकी वाइब्रेशन जो है वो 12 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी. द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो लंबा की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? आपने सिंपल उसकी स्पीड फाइंड करनी है. एज वी नो वी इज इक्वल टू एफ 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ हाँ यहां पे 3 सेंटीमीटर है, इसको 100 से आपने डिवाइड करना है 0.03 मीटर. मीटर पर सेकेंड. ओके, क्लियर? कोई मसला? चलेंगे नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट. है आपके पास 10.7. अ ट्रांसवर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज. ट्रांसवर वेव है, ट्रांसवर वेव तो पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज 190 हर्ट्ज. लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 90 मीटर. यानी इस वेव ने जितना डिस्टेंस कवर करना है वो 90 मीटर है. ये वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना वो 90 मीटर है. तो डिस्टेंस के लिए आप डी भी लिखते हैं और एस भी लिखते हैं. दैट इज 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड. 0.5 सेकेंड में ये 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. सो हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? सेकेंड वन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? थर्ड वन, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा. ठीक हो गया? स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले टाइम पीरियड की अगर बात करें तो व्हाट इज टाइम पीरियड? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है टी इज इक्वल टू 1/f, v इज इक्वल टू s/t और लंबा के लिए v/f. v इज इक्वल टू f लंबा, लंबा इज इक्वल टू v/f. ये तीन फॉर्मूले लगेंगे. पहले पे आते हैं तो पहला फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 1/f 1/190. यहां पे टाइम पीरियड आ जाएगा तो 1/190 0.00526. जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.01 सेकेंड. ठीक है, ये राउंड ऑफ करने से आता है. आपके पास 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, आगे मल्टीप्लाई 10^-3 भी है. तो इसको आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल में, ठीक है. अच्छा जी, टाइम पीरियड फाइंड हो गया. सेकेंड वन इज स्पीड. v इज इक्वल टू s/t, डिस्टेंस इज 90 मीटर एंड टाइम इज 0.5. तो 0.5 मतलब 90 का डबल 180 मीटर पर सेकेंड.
ओके. नेक्स्ट इज लंबा. लंबा इज इक्वल टू वी ओवर एफ. 180 डिवाइडेड बाय 190. जीरो पॉइंट नाइन फोर सेवन मीटर. क्लियर? जी. तो कल हमने इसके न्यूमेरिकल 10.7 तक किए थे. आज हमने 10.8 को जो है वो न्यूमेरिकल और 10.9 और 10 को करेंगे. 10.8 में जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड. वो कह रहा है कि एक रिपल टैंक जिसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट पर पानी अप एंड डाउन मूवमेंट 4.8 सेकेंड्स में करता है. 4.8 साइकल्स पर सेकेंड यानी 4.8 ऑसिलेशन एक सेकेंड के अंदर करता है. 10.8 में हमारा जो गिवन डाटा है उसमें वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है. हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.06 मीटर आ गया. उसके बाद फ्रीक्वेंसी 4.8 ऑसिलेशन. एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड. सो फ्रीक्वेंसी उसकी 4.8 हर्ट्ज है. हमें कहा गया है कि उस वेव की स्पीड बताएं और उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमने बताना है. तो फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और दूसरा टाइम पीरियड के लिए t इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये दो फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं. अगर हम सॉल्यूशन इसका देखें तो v f भी हमारे पास गिवन में है 4.8, वेवलेंथ भी गिवन है 0.06. तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 0.28 समथिंग आएगा. तो 0.round off करके 0.29. उसके बाद सेकेंड वन टाइम पीरियड. तो एज वी नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f और 1/1.48. तो दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 0.21 सेकेंड. तो ये दो रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमारे पास. दोनों क्वांटिटीज आपने फाइंड कर ली. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट 10.9. एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस. रिपल टैंक का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है. ये डिस्टेंस ही रहेगा एस. और इसको अगर मीटर में करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8 मीटर. नेक्स्ट अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स विच वेवलेंथ ऑफ 40 मिलीमीटर. वो कह रहा है वाइब्रेटर है जो कि 40 मिलीमीटर की वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस करता है. उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है. अब चूंकि ये मिलीमीटर है तो मिली 40 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 कर लें या 40 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 कर लें, माइनस 3 कर. तो मिली प्रीफिक्स है 10 रेज टू पावर माइनस 3 की, तो माइनस 3 की वैल्यू लिख दी तो आपके पास 40 × 10 रेज टू पावर माइनस 3 क्या आ गया मीटर में. अब आपने फाइंड करनी है टाइम द वेव नीड टू क्रॉस अ टैंक. टोटल टाइम फाइंड करना है, ये टाइम पीरियड नहीं है. यहाँ पे बस ये चीज जहन में रखनी है कि टाइम पीरियड की बात नहीं वो कर रहा, वो आपसे टाइम पूछ रहा है कि 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर जो 40 मिलीमीटर की वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसको 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर क्रॉस करने के लिए आगे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा. तो जैसा कि आप 9th में भी पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, इसी एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ा है. तो टाइम के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s ओवर t और t इज इक्वल टू s ओवर v. ठीक है, अब v हमें चाहिए. v फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू f लैम्डा. f फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है, वेवलेंथ हमारे पास 40 × 10⁻³ है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.2 मीटर.
पर सेकंड। और जब आपने फाइंड करना है टी, तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। एस हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 4 सेकंड्स। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब लास्ट इसका है 10.10। 10.10 में बताया गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़, वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दो चीजें हमारे पास गिवन है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़, तो मेगा में करने के लिए 9 × 10⁶ हर्ट्ज। दूसरी चीज जो डाटा हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द वेव v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। तो v है आपके पास 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी 90 × 10⁶। दोनों को आप डिवाइड कर लें, आपके पास इसका आंसर आएगा 3.33 मीटर। ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है? इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास आपका चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया।